इनको जाके जा हम क्या करते हैं, बॉयल बॉयल करते हैं इनको जाके। तो चलें दोस्तों, आप ऐप लेके बाहर चलते हैं। ध्यान भाई आप क्या सोच रहे हैं? ज्ञान मैं सोच रहा हूँ कि आज आपके वीडियो बना लिया ना, तो उस बारे में मैं सोच रहा हूँ कि आज कुछ क्या किया जाए। आपने शायद एक काम कहा हुआ था, काम सोचे जरा क्या कहा था आपने भाइयों को? फेस्टिवल का कहा था, वो तो हो गया हमारा फेस्टिवल। नहीं, आपने ये कहा था कि हम कॉइल्स के एग चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे कैसे होते हैं। कॉइल्स के एग का मैंने कहा था कि उनको हम चेक करेंगे, बॉयल करके उनको टेस्ट करेंगे कि कैसा टेस्ट होता है उनका। तो फिर आज क्यों किया जाए? जी बिल्कुल, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर बैठा हुआ था, सोच रहा तो भाई आया तो उन्होंने बताया कि भाई आप क्या सोच रहे हैं। तो मैं सोचा दोस्तों कि आज कुछ मतलब कि वीडियो में बनाने का क्या किया जाए। तो भाई ने मुझे याद दिलवा दिया कि मैंने कहा था दोस्तों आप लोगों को कि जो बटेर के अंडे हैं उनको बॉयल करके चेक करेंगे कि कैसा टेस्ट होता है। और मैं आपको बताऊँगा कि उनका कैसा टेस्ट होता है, क्या मुर्गी की तरह का होता है। तो चले दोस्तों, चलते हैं अपने अंदर और देखते हैं कि हमारे कोई उसने कितने एग दिए हैं और उनको एग को कलेक्ट करके उनको बॉयल करके हम टेस्ट करते हैं। तो वही स्टार्ट करते हैं। तो बस आपसे एक बार चैनल बनाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। चलते हैं दोस्तों आगे के नीचे और वहाँ पर जितने भी अंडे होंगे इंशाल्लाह हम सारे के सारे उठा के उनको बॉयल करके टेस्ट करेंगे। यहीं पे आकर बैठ के हम चेक करेंगे। तो आए दोस्तों, चलते हैं एवरी के अंदर और मुर्गियों को करते थे हमारे छत पे। एवरी के पास दोस्तों हम आ चुके हैं, चलते हैं अपने एवरी के अंदर। की ये देखें, ओके की दोस्तों मेरे पास है इसकी और इसमें काफ़ी सारी चाबियाँ लगी हुई हैं। ये देख सकते हैं आप, सारे जितने भी केजेज हैं उन सारों की जो कीज़ हैं वो सारे मेरे पास हैं। और चलते हैं दोस्तों एवरी के अंदर और मैं आपको अंदर जा कर दिखाता हूँ। ये ज़रा ये देखें आप, बटेर यहाँ पे घूम रहे हैं, इनको मैं साइड पे करता हूँ। और तोता भी ये देखें यहीं पे इंतज़ार कर रहा है। तो चलते हैं अंदर और तो एवरी में दोस्तों माशाल्लाह आ चुका हूँ और मैं आपको एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। तो चलें वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ है। एवरी में दोस्तों माशाल्लाह आ चुका हूँ, मज़े की चीज़ मैंने आपको ये दिखानी है कि ये वो जो हमारी तोती है ये देखें, इसके माशाल्लाह दोस्तों बच्चे जो हैं नीचे आ चुके हैं। एक बच्चा ये देखें माशाल्लाह ये बैठा हुआ है, सो रहा है ये हर वक्त जो है सोता रहता है माशाल्लाह। एक दोस्तों ये वाला बच्चा है और दूसरा बच्चा जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ नीचे बैठा हुआ, जो कोयल्स के हमारे जगह अंडे देने वाली उसके अंदर बैठा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ ये जी, ये देखें ज़रा, ये हमारी जो बटेर वाली जगह है ना दोस्तों, इसके अंदर घुसा हुआ ये जी माशाल्लाह। ये देखें, ये तकरीबन कल या परसों को ये नीचे आए हैं अपने नेस्ट से, इन्होंने दोस्तों छलांग लगा दी और माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा बच्चा है ये देखें। तो माशाल्लाह दो बच्चे दोस्तों हमारे इसके, ये जो आप मटकी देख रहे हैं इधर से आ गए नीचे। और अब दोस्तों हम देखते हैं इनके अंडे के, कितने अंडे इनके जमा हुए हैं। इसको मैं साइड पे कर देता हूँ। ये देखें माशाल्लाह हमारा तोते का बच्चा, ये देखें काफ़ी प्यारे रंग में है। इसको मैं नीचे छोड़ देता हूँ और ये देखें ज़रा, ये माशाल्लाह इन्होंने अंडे दिए हैं। एक तो ये पड़ा हुआ है आगे को, ये एक हो गया, ये दोस्तों एक अंडा और ये माशाल्लाह से इसके दो अंडे हो गए और एक और अंडा मुझे नज़र आ रहा है। ये देखें ये रहे। तो सारे के सारे हम उठा लेते हैं क्योंकि इनका साइज़ जो है दोस्तों काफ़ी छोटा है, तो अगर हम खाएंगे हमें पता ही नहीं चलेगा कि किसका अंडा खाया। तो माशाल्लाह चार अंडे मिले और देख लेते हैं। तो और अंडा अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा। ये और ये तकरीबन जो है ना रोज़ ही मेरे पास अंडे दे रहे हैं, एक दिन छोड़ के भी दे देते हैं, कभी रोज़ भी दे देते हैं। तो इन अंडों को दोस्तों हम कलेक्ट कर लेते हैं और इनको जाके हम क्या करते हैं, बॉयल करते हैं इनको जाके। तो चलें दोस्तों अब एवरी के बाहर चलते हैं। दोस्तों एवरी के बाहर हम अंडे क्योंकि मैंने उठा लिए हैं, अब ज़रूरत नहीं है यहाँ पे खड़े होने की। तो यार ये दरवाज़ा खोलना ज़रा, चलें जी माशाल्लाह दोस्तों। ये देखें हम अपनी एवरी के बाहर आ चुके हैं और ये अंडे हैं इनके। तो चलते हैं, चलें इन्हें बॉयल करते हैं, बॉयल जाके इन्हें जाके दोस्तों बॉयल करते हैं। पानी को दोस्तों मैंने रख दिया चूल्हे पे, अब क्या करते हैं इन अंडों को इसके अंदर हम डाल देते हैं आराम से। ये अंडे का दोस्तों वज़न इतना कम है, देखें अंडा ये पानी के ऊपर तैर रहा है, ये देखें ज़बरदस्त। और यार ये अंडा देखें टूटा हुआ है, ये देखें, ये आपको शायद नज़र आ रहा होगा यहाँ से, ये देखें
इसको हम साइड पे रख देते हैं। ये मैंने अभी देखा है एक अंडा हमारा टूटा हुआ है, अब दूसरे को इसमें छोड़ देते हैं। ये भी देखें कैसे हवा में तैर रहे हैं। इनको दोस्तों मैंने अच्छी तरीके से पहले धो लिया था और अब माशाल्लाह से इनको मैं रख दिया, तो चलें हम इनको चूल्हे को चला के इनको करते हैं बॉयल। ये देखें माशाल्लाह अभी कुछ ही मिनटों में जो है ये दोस्तों बॉयल होना शुरू हो जाएंगे, फिर हम इधर से निकाल देंगे इनको और चलेंगे फिर छत पे और इनको ट्राई करेंगे। तो अंडे दोस्तों हमारे बॉयल हो चुके हैं, ये देखें माशाल्लाह चार अंडे थे जिसमें से एक अंडा जो टूटा हुआ था वो बॉयल होते वक्त और टूट गया। ये देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ, देखें अंडा हमारा एक टूट चुका है। खैर इसको मैं एंड पे खाऊंगा, पहले हम क्या करते हैं इस अंडे को दोस्तों हम चेक करते हैं। अंडे को छीनने के बाद कुछ इस तरीके का ये अंडा निकलता है। ये देखें जैसे गोली नहीं होती, जैसे पिस्टल के अंदर एक गोली होती है उस तरीके की, यूँ करके जा रही है देखें, और ये इसी तरीके से मेरे मुंह के अंदर जाएगी। लेकिन अभी हम इसको खाने वाले नहीं, अभी मैं इसकी जो ऊपर की झिल्ली होती है इसको उतार रहा हूँ। और बड़े ही यार आसानी तरीके से देखें इसका अंडे का छिलका उतरा, जैसे हम आलू का छिलका उतारते हैं वो इस तरीके से गोल सा उतरता है, इसलिए ये इस तरीके का उतरा। पहले हम इस अंडे को चेक करेंगे इस छुरी की मदद से। दोस्तों मैं इसको पहले चेक कर रहा हूँ कि अंदर से ये अंडा सही है या नहीं, क्योंकि मैंने बगैर चेक करे इसको मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया था। और यार इसमें जर्दी काफ़ी ज़्यादा है, ये देख कितना प्यारा लग रहा है दोस्तों, ये देखे अंडा बटेर का। और अब बारी है इसको चेक करने की, तो चले बिस्मिल्लाह करते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा नमक छिड़कते हैं ऐसे करके, देखे जैसे हैं उस वक्त करता है ये ठीक हो गया। तो चलें इसको अब हम चेक करते हैं। बिल्कुल उसके जैसे जैसे मुर्गी का अंडा होता है, बस फ़र्क दोस्तों ये है कि इसका साइज़ बहुत छोटा है। वैसे टेस्ट बिल्कुल माशाल्लाह ज़बरदस्त है और इसकी जर्दी काफ़ी ज़्यादा है इसमें, ये देख। चलें अब इसको भी हम खा लेते हैं नमक डाल के। अंडा माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लाजम बताना कि किस किस ने ये बटेर का अंडा खा के चेक किया हो, ये आपने लाजम बताना। ओके दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियोस आप तक पहुँचते रहें। और कल वाली वीडियो में आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया और बस इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जाते जाते एक अंडा आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।